अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर YouTube वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। यार आज मैं बात करना चाह रहा हूँ कि कौन से ऐसे वो पॉइंट्स हैं जो आपने लाजमी जहन में रखने हैं जिसकी वजह से आपका इटली का स्टूडेंट वीजा 2024 के अंदर रिजेक्ट हो सकता है। हम लोग अभी फाइल प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं या फिर हमने ऑलरेडी वीजा फाइल जमा करवा दी है। जिन्होंने जमा करवा दिया छोड़ दो, ये वीडियो आपके लिए नहीं है क्योंकि आपने जो करना था वो आपने कर दिया। जाहिर सी बात है आपने प्रिकॉशन सारे लिए होंगे, लेकिन आज मैं बात करना चाह रहा हूँ उन प्रिकॉशंस के ऊपर जिसकी वजह से आपका इटली का स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने के जो चांसेस है वो थोड़े से बढ़ जाएंगे और रिजेक्शन के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। तो अब करना क्या है, सबसे पहले हमने वो पॉइंट्स डिस्कस करने जिसकी वजह से आपका इटली का वीजा नॉर्मली स्टूडेंट्स का रिजेक्ट हो जाता है। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर वन इज इन करेक्शंस। पॉइंट नंबर वन के बारे में बात करते हैं। पॉइंट नंबर वन इज मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स। आपकी अहमद स्पेलिंग है, नाम आपका अहमद है, तो AHMED आपका हर जगह यूज हुआ है, फॉर्म में आपने अहमद लिख दिया है। ये आप लिखते नहीं होंगे, आप अच्छे से बड़े हो गए, अहमद अपने नाम की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करते हुए स्पेलिंग लिखते हुए बड़े हो गए हो, लेकिन होता ही है समटाइम्स आपसे गलती हो जाती है। आपसे नहीं होती तो आपकी जो प्री एनरोलमेंट समरी यूनिवर्सिटीज फॉरवर्ड है वहां पर मिस्टेक्स हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रीसेंट केस आया हमारी स्टूडेंट का, वो फैसलाबाद से हैं, तो उनकी फैसलाबाद की जो नाम की स्पेलिंग थी, स्पेलिंग जो थी फैसलाबाद की गलत कर दी, फैसलाबाद की अंदर ए आगे पीछे कर दिया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी आपकी प्री एनरोलमेंट समरी फॉरवर्ड होती है, आपका जो पासपोर्ट है उसके अंदर नेम सरनेम में स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ये सारी वो चीजें जिनकी करेक्शन आपको लाजमी कर लेनी चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो प्रॉब्लम ये आती है कि उस वक्त आपने सबमिट कर दिया और BLS के भी आपने नहीं देखा, इन द एंड आपका वीजा रिजेक्ट होता है ड्यू टू सम स्पेलिंग सिली स्पेलिंग मिस्टेक्स। ठीक है, सबसे पहले तो गई स्पेलिंग की बात हमने कर ली। सबसे पहली बात जो हमने निकाली है वो आपकी स्पेलिंग। स्पेलिंग यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी स्पेलिंग नाम की सही होनी चाहिए। एक एक जब भी प्री एनरोलमेंट समरी आपकी फॉरवर्ड होती है, यू नीड टू मेक श्योर कि भाई इसके अंदर सारी जो चीजें आपका सिटी, आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, सारी चीजें वो एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा बैंक स्टेटमेंट प्रॉपरली। ठीक है, मैंने अभी लास्ट एक बैंक स्टेटमेंट पे वीडियो बनाई थी, इसके अंदर मैंने ट्राई किया था कि मैं सारे पॉइंट्स कवर कर लूं, स्टिल वो रह गए हैं, कुछ पॉइंट्स रह गए, तो इंशाल्लाह सैटरडे को आई विल बी कमिंग लाइव, तो आपके बैंक स्टेटमेंट के मैटर्स भी देख लेंगे। एक एक स्टूडेंट को जवाब देना तो वो बेसिकली कंसल्टेशन के अंदर आता है, तो बुक कर लो सेशन। ठीक है, और अगर नहीं करना हो सैटरडे को आपका भाई आएगा लाइव यूट्यूब चैनल पे और सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे इंशाल्लाह। टाइम अभी भी सेलेक्ट कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ क्या टाइम बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, मेरे लिए तो बेहतर ये कि बैंक स्टेटमेंट के हवाले से जितने भी क्यूरीज हैं वो सैटरडे को यूट्यूब चैनल पे लाइव हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपका वीजा रिजेक्ट होने के चांसेस हैं वो ये है कि अक्सर स्टूडेंट मुझसे सवाल करते हैं कि हमें पैसे हमसे स्टेटमेंट मांगी हुई 6 महीने की, लेकिन हमने 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट हमारे पास हुई है। कोई मसला नहीं है, अगर आपकी 3 महीने की भी बैंक स्टेटमेंट है, आपको पैसे डलवाए हुए 3 महीने हुए हैं और आपने अपॉइंटमेंट ले लिया है, सबसे पहली बात तो ये आपने भंड मार दिया है, कोई मसला नहीं। अगर भंड मार भी दिया है तो उसको कवर करने का तरीका ये है कि आपके जो वो 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट वो जेन्युइन होनी चाहिए। इटली को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि आपके पैसे 3 महीने रखें, 5 महीने रखें, 6 महीने रखें, कोशिश ये करो कि 6 महीने बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करो। जिस तरीके से कराची कॉन्सुलेट के अंदर जो फाइल फॉरवर्ड होंगी उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि उनको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, वेयर एज इस्लामाबाद में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो बेहतर यही है कि 6 महीने तक वो पैसे मेंटेन करो। अगर वो नहीं हो रहे तो आपके जो 3 महीने पहले या 2 महीने पहले या 1 महीने पहले आपने पैसे डलवा रहे हो, या तो आपने वो प्लॉट बेचा होगा, या आपने गाड़ी बेची होगी, या गोल्ड बेचा होगा, बेतहाशा वीडियोस के अंदर बैंक स्टेटमेंट वाली वीडियोस में मैं बता चुका हूं। वो अगर आपका एसेट FBR के अंदर लिस्टेड है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने जेन्युइन फंड्स वो क्रिएट किए हैं, जेन्युइन फंड्स अपने बैंक अकाउंट में डालें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वही अटैच करके डालो, लेकिन कवर लेटर शुड बी गुड। ठीक है, जब आप अपना मोटिवेशन लेटर साथ अटैच करोगे, कवर लेटर अटैच करोगे, उसके अंदर आपने एक एक पॉइंट, एक एक ट्रांजैक्शन जो पड़ी हुई भी है 10 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की, 7 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की, 50 लाख रुपए की, उसके अंदर आपने मोटिव लाजमी अटैच करना है। प्रॉपर्टी सेल आउट हुई है, प्रॉपर्टी की सारी डॉक्यूमेंटेशन आपने लाजमी अटैच करनी है। मेक श्योर फॉर्म ए, फॉर्म बी, प्रॉपर्टी सेलर्स के नाम, सेलर्स के नाम का चेक लेना जब आप प्लॉट वगैरह बेच रहे हो, कोशिश ये करना जिसके नाम पे प्लॉट बिक रहा है उसी से चेक ले लो। होता नहीं है, आई नो आई अंडरस्टैंड कि कोई किसी थर्ड पार्टी का चेक दे रहा होता है, लेकिन कोशिश ये करना कि वो जो डिपॉजिट हो रहा हो उसकी या तो चेक की कॉपी अटैच कर देना, ये भी आपका केस काफी स्ट्रॉन्ग करती है। इतनी नेटिक डेटिस कोई नहीं समझाता, मैं इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपके वीजा रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाए। तीसरा नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप
टाइम लाइन स्पेस कर जाते हो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपकी समरी फॉरवर्डिंग रिव्यू मई की, आप जाके वीजा फाइल करोगे नवंबर में बिकॉज आपको डेट नहीं मिल रही, आपका वीजा रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि आपका कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गया. यू विल हैव लेस चांसेस कि आपने इतना देर से कोर्स अप्लाई किया है, इतना देर से आपने एडमिशन अप्लाई किया है, क्योंकि जब आप एडमिशन के लिए अपनी फाइल जमा कराओगे इवन देन दे आर गोइंग टू टेक सम टाइम, दो से तीन महीने का टाइम है, वो आपको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं 90 days अप टू, ठीक है, अप टू 90 days दे आर टेकिंग, ठीक है, जिसके अंदर वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे. इधर यू हैव योर बैंक, यू विल हैव योर वीजा और यू विल नॉट हैव योर वीजा. सो यू नीड टू मेक श्योर कि ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने. पॉइंट नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने बैंक स्टेटमेंट के अंदर जहाँ पैसे डाले हुए हैं, अगर वो आपके पैसे हैं तो आपको उसे करना ही है, जब तक वीजे का डिसीजन नहीं आ जाता इधर यस हो नो. लेकिन मसला ये होता है जब आपने वीजा फाइल जमा करवाई, जब आपने पैसे जमा करवाए, तो उसके अंदर सबसे एक जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि आप पैसे ड्रॉ कर लेते हो, फिर जब वो क्रॉस वेरीफाई होते हैं, बैंक को फोन करते हैं, चेक करते हैं, तो वो पता चलता है कि आपके अकाउंट में तो पैसे नहीं है, तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है, दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. इसकी वजह से भी आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है. यू नीड टू मेक श्योर जब आपने अकाउंट जो दिया हुआ है उसे पैसे ड्रॉ नहीं कर रहे जब तक आपका वीजा रिजेक्ट या अप्रूव नहीं हो जाता, प्लीज. क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पिछले साल से मैं अपने स्टूडेंट्स को जो मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए आए, जो मेरे थ्रू केस करे थे, या मैं अपनी यूट्यूब की पिछली वीडियो के अंदर ये बता चुका हूँ, मुझे पूछा जाता था कि यार ये फंड कितने अर्थे के लिए रखते हैं, तो मैं सबको ये बताता था 6 to 9 months आपके पैसे फंसेंगे, क्योंकि जब आप वीजा फाइल जमा कराओगे उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि अगले एक हफ्ते के अंदर आपका डिसीजन आ जाएगा. इन द मीन टाइम आप वीजे के अंदर पैसे निकलवा भी नहीं सकते हो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, क्योंकि अगर आप निकलवाओगे तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. अच्छा, एक चीज मैं इसके अंदर ऐड कर दूं कि हमारे पास ऐसी भी एग्जाम्पल्स हैं जिसके वीजा प्रोसेस हुआ हुआ था, पैसे डलवाए हुए थे और उससे निकलवा लिए लेकिन स्टिल उसका वीजा लग गया. तो दीज आर द लकी कंटेंटर, ठीक है, ये फाइल्स वो हैं जो लकी हैं, यूजली ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसका वीजा लगा, बीच में उससे पैसे निकलवा लिए तो उसको कोई जरूरत पड़ी थी लेकिन उसका वीजा लग गया था. लेकिन इसके अंदर से बस एक पॉइंट ये है कि जो पैसे उसने डाले हुए थे वो जेन्युइन थे, ठीक है, मतलब जेन्युइन सोर्स आए हुए थे, FBI में डिक्लेयर थे, सारी चीजें डिक्लेयर थी. तो यू नीड टू मेक श्योर द फंड्स विच यू आर डिपॉजिटिंग शुड बी लीगल. लास्ट पॉइंट, जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना. जल्दबाजी एज इन के आपका फॉर एग्जाम्पल आपका फाइल वीजा फाइल सबमिट हुई है, आप BLS को अगेन एंड अगेन कॉन्टैक्ट कर रहे हो कि किधर है मेरी फाइल, क्या है, चक्कर लगा रहे हो, जल्दबाजी नहीं करना. जब वीजा फाइल जमा करवा दी नहीं है तो 90 days का टाइम फ्रेम है, 90 days दे विल टेक एंड दे विल अनाउंस योर डिसीजन. जब हम जल्दबाजी करके एक का नहीं करता फिर 100 बच्चे जो है वो जल्दबाजी करते हैं, उनको देख के 100 और करते हैं, 500 हो जाते हैं, 1000 हो जाते हैं, प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है. अगर हम क्योंकि नहीं करते हैं ना, लास्ट सेंचुरी थी सकून से, उनको भी उनके ऊपर भी प्रेशर ही आ गया था कि भाई जो साल के 10,000-15,000 फाइल जमा हो रही थी साल की, अब जाहिर है पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि हर कोई निकलने की कोशिश में लगा हुआ है, तो वो फाइल जब 35,000-33,000 पे चले गए तो जेरी से ऊपर प्रेशर आ गया, दे डिडंट हैव द कैपेसिटी टू सेटल ईच एंड एवरीथिंग. पिछले साल की फाइल्स अभी भी इस साल भी उन्होंने होल्ड की हुई है, ठीक है, इटालियन कॉन्सुलेट जो पिछले साल के बच्चे थे. तो यू नीड टू मेक श्योर, यू नीड टू स्टे काम, आराम से थोड़ा सा वेट करके 90 days के अंदर इंशाल्लाह यू विल हैव योर डिसीजन, इंशाल्लाह, ठीक है. पिछले साल से हालात थोड़े से बेहतर है, मैं आपको ये बता दूं, पिछले साल हालात बहुत बुरे थे, ठीक है. तो इफ यू आर सबमिटिंग योर फाइल, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, तो थोड़ा सा वेट करना है. लास्ट पॉइंट मैंने ये वाला सोचा बता, लेकिन एक और चीज मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ. लास्ट पॉइंट ये है कि यार जब हम वीजा फाइल जमा करवाने जाते हैं, ठीक है, जब हम उसकी एक्सेप्टेंस ले लेते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं, तो हमें एक गो थ्रू कर लेना है सारे उन डॉक्यूमेंट्स का जो हम करवा रहे हैं, और इसके सेट ऑफ कॉपी भी बना के अपने पास रख लेना, प्रूफ रीड कर लेना कि उसके अंदर कोई स्पेलिंग वगैरह का भंड नहीं मारा, क्योंकि नॉर्मली इसी की वजह से आपको खुदा ना खास्ता अगर प्रॉब्लम दिखे तो आप BLS से कनेक्ट कर सकते हो. BLS का स्टाफ कंपेरेटिवली जेरी से काफी बेहतर है, जो एग्जाम्पल्स मेरे सामने सुनने में आ रही है इस बार BLS का स्टाफ थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि लास्ट ईयर सेप्टेम्बर का जो BLS का सेशन था, सारी चीजें थी जो हमारे पेन स्टूडेंट्स आए थे उनसे जब मैंने कनेक्ट किया तो बताने कि BLS इज फार बेटर देन जेरी, बट लेट्स सी, पहला साल है, देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है BLS. तो गाइस बहुत शुक्रिया, कोशिश करना जो मैंने पॉइंट्स बताए इसको समराइज करके एक ओवरव्यू अपनी फाइल की तरफ डाल लेना, ताकि आपके वीजा ये रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाए और लगने के चांसेस ज्यादा हो जाए. दुआ में याद रखना, डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अगर यहाँ पे वीडियो देख ली है, एंड आई होप टू सी यू सून.